अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने बेसिक सेटिंग देखा, अभी हम सेटिंग देखेंगे मल्टीप्लायर फॉर जमात टाइम। बराबर, जमात टाइम मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम समझेंगे जमात टाइम मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो जमात टाइम होता है फजर जहर असर, ये जो छः जमातों का टाइम है, ये फजर जहर असर मगरिब इशा जुम्मा, ये सब ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, हम मगरिब का टाइम एक एक मिनट से प्लस माइनस करते हैं, लेकिन फजर असर ईशा ये सब टाइम जो है वो 5 मिनट से करते हैं, कभी प्लस माइनस, कभी 10 मिनट से करते हैं, कभी 15 मिनट से करते हैं, कभी आधे घंटे से करते हैं। तो इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं कि कितने मिनट से हमें प्लस माइनस करना है नमाज का टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिमोट के अंदर येलो कलर का बटन, सॉरी येलो नहीं ग्रीन कलर का बटन, रेड के बाजू में ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर वाला बटन, ये बटन दबाना है। ठीक है, ये वाला, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं है तो उसको पहले अनलॉक करना है। रिमोट के अंदर ऑटोमेटिक 3 मिनट के बाद अगर रिमोट ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर 3 मिनट के बाद आप रिमोट ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उसको पहले अनलॉक करना है। ठीक है, ये दबाया, देखो यहाँ पर मल सेट लिख के आया, देखो यहाँ पर मल सेट लिख के आया और फजर के अंदर 05 आया। ये मल्टीप्लायर सेटिंग जो होती है वो 6 जमात के लिए ही होती है, फजर से लेकर जुम्मा तक 05 आया। बराबर, मल्टीप्लायर सेटिंग है, आप 00 रख सकते हैं, 05 रख तक, दस रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। 00 में आपका जो टाइम होगा वो 1-1 मिनट से प्लस माइनस होगा, जैसे मगरिब में करना है। ठीक है, और 05 में आपका फजर नमाज का टाइम जो है वो कोई भी नमाज का टाइम हो 5-5 मिनट से प्लस माइनस होगा। फजर में 5 सेट किया तो 5-5 मिनट से प्लस माइनस होगा, 10 किया तो 10-10 मिनट से प्लस माइनस होगा, 15 किया तो 15 मिनट से प्लस माइनस होगा। अगर आपने मल्टीप्लायर 20 किया तो वो नमाज का टाइम जो है वो मैनुअल मोड में चला गया, उसको आपको मैनुअल सेटिंग करना है, वो ऑटोमेटिक में नहीं रहा, वो फिक्स में हो गया। जैसे कि आपको जोहर का टाइम पूरे साल में एक ही रहता है, जैसे कि किसी का 1:10 रहता है, 1:15 रहता है, 1:30 रहता है, वो फिक्स होता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लायर 20 रखना है, ध्यान रहे उसके लिए आपको मल्टीप्लायर 20 रखना है, फिक्स करने के लिए आपको मल्टीप्लायर 20 रखना है, और 1-1 मिनट से प्लस माइनस करने के लिए आपको 00 रखना है, 5 मिनट करने के लिए 5, 10 मिनट के लिए 10, 15 मिनट के लिए 15 और फिक्स करने के लिए 20। फजर में अक्सर लोग और हम लोग जो कंपनी सेटिंग करके देते हैं वो हम 5 करके देते हैं, तो हम यहाँ 5 रखते हैं। ठीक है, वो चेंज कैसे करना है, तो ये यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन बटन दिख रहा है, मैं आपको बोला था ऑप्शन बटन बहुत काम आएगा, ये जो ऑप्शन बटन दिख रहा है आपको SAP, ये वाला बटन, दिखा आपको ये वाला बटन SAP, ये बटन से करना। देखो हुआ 15 हुआ, 20 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ फजर के अंदर। अब जब फजर का सेटिंग ख़त्म हो गया तो एंटर दबा के ये वाला बटन दबा के आपको जोहर में आना है, ऑप्शन से चेंज करना है और एंटर दबा के नेक्स्ट जमात में आना है, जोहर में आना है। ठीक है, तो जोहर में 20 रखना है क्योंकि जोहर हम अक्सर फिक्स रखते हैं लोग। ठीक है, और फिर ये बटन दबा के एंटर दबाना है। असर में भी अक्सर लोग 5 रखते हैं, कोई 10 रखता है, कोई 15 रखता है, 20 तो कोई नहीं रखता है, 0 भी कोई नहीं रखता है, 5 रखते हैं हम लोग अक्सर। इसके बाद मगरिब में 00 होता है क्योंकि मगरिब का टाइम जो होता है वो 1-1 मिनट से प्लस माइनस होता है, तो मगरिब में 00 रखना है। ईशा में 5 रखना है। बराबर, जुमा में 20 रखना है क्योंकि जुमा भी अक्सर लोग फिक्स रखते हैं। ठीक है, और फिर एंटर बटन दबाना है, नेक्स्ट जाने के लिए एंटर, और चेंज करने के लिए SAP, नीचे वाला ऑप्शन बटन। ठीक है, और एंटर दबाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक नमाज का टाइम मल्टीप्लायर चेंज करना है, बाकी सब बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मगरिब का खाली करना है, तो आप ग्रीन बटन दबा दिया, ग्रीन बटन दबा के आपको एंटर एंटर दबा के मगरिब तक आना है, एंटर 3 बार दबाना है, मगरिब तक आना है, इसको फिर आपको 0 करना है, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट भी हो सकता है, कोई भी सेटिंग से आप डायरेक्ट एग्जिट भी हो सकता है। यहाँ से ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये वाला बटन दिख रहा है आपको, A/CH से आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको, मैं दबाऊँगा तो आप यहाँ पर आएगा डन, ये डायरेक्ट एग्जिट हो गया, यहाँ पे डन लिख के आया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जिट बटन है, तो ये आपकी मल्टीप्लायर सेटिंग हो गई। मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होती है आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होती है, कि आपको कौन सी नमाज कितने टाइम से प्लस माइनस करनी है ऑटोमेटिक मोड में। 0 के लिए 1-1 मिनट से प्लस माइनस होगा,
और 5, 10, 15 के लिए 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट से प्लस माइनस होगा, और 20 अगर रखा आपने तो वो फिक्स हो जाएगा। जोहर और जुमा में अक्सर लोग फिक्स रखते हैं, तो इसके लिए यहाँ मल्टीप्लायर फिक्स 20 रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लायर सेटिंग। अब ये मल्टीप्लायर सेटिंग हो गया, अभी हम इसके बाद जाएंगे जमात टाइम सेटिंग के लिए। बराबर, जमात टाइम कैसे सेटिंग करना है, ऑटो मोड भी बताएंगे और मैनुअल मोड भी बताएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जोहर का टाइम मल्टीप्लायर 20 रखा है तो वो मैनुअल मोड हो गया, जुमा भी 20 रखा है तो वो मैनुअल मोड हो गया, और फजर, असर, मगरिब और ईशा हमने 20 को छोड़ के रखा है तो वो ऑटो मोड हो गया, ऑटोमेटिक टाइम प्लस माइनस होगा। बराबर,